नमस्कार, कांग्रेस नेता ने किया द्रौपदी मुर्मू का अपमान, बोल दिया कुछ ऐसा। राष्ट्रपति चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय कुमार ने एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमें मुर्मू को आदिवासी का प्रतीक नहीं बनाना चाहिए। साथ ही उन्होंने द्रौपदी मुर्मू की विचारधारा पर भी सवाल खड़े किए हैं। हालांकि भाजपा ने भी इस बयान पर पलटवार किया है और इसे मुर्मू का अपमान बताया है। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस नेता अजय कुमार ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू भारत की बड़ी दुष्ट विचारधारा को दिखाती है, का प्रतीक नहीं बनाना चाहिए। हमारे पास राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है और हाथरस कांड हो गया। कुमार ने आगे कहा कि समान विचारधारा वाले सभी दलों को विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के लिए वोट करना चाहिए। कुमार ने कहा कि प्रतीक बनाना और देश के लोगों को बेवकूफ बनाना ही मोदी सरकार का काम है। धन्यवाद। जय हिंद।